आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो इंडिया को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे। वो इंडिया को सुपर कंप्यूटर देना चाहते थे। यूएस जैसे कंट्री में ही उस वक्त सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप थी। इसके लिए मिस्टर राजीव गांधी यूएस गए और उस समय के प्रेसिडेंट मिस्टर रोनाल्ड रीगन से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। निराश होकर मिस्टर राजीव गांधी जब इंडिया आए, उन्होंने साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी और कहा कि मेरा सुपर कंप्यूटर का सपना अधूरा रह गया, और इमोशनल भी हुए। इस पर साइंटिस्ट ने कहा, हम आपका यह सपना पूरा करेंगे, आप हमें फंड दीजिए, समय दीजिए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। सीडेक में 3 साल तक हार्ड वर्क करके हमारे साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर बनाया। पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम 8000 था। वाकई में साइंटिस्ट की इस हिम्मत और मिस्टर राजीव गांधी की इस पहल ने हमें यह सुपर कंप्यूटर दिलवाया और आज हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया। उम्मीद है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पाकर खुशी हुई होगी। अगली मोटिवेशन इंसिडेंट और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।